Welcome students, in today's video and today's topic is admission of new partner practical question 1, in which we will see how we will prepare revaluation account, capital account, balance sheet and related journal entries. आज हम जो हैं, हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो हमें इन सब चीजों को करने से पहले सारे ट्रीटमेंट पता होने चाहिए जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में करने होते हैं। तो क्या क्या ट्रीटमेंट है जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में करने होते हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग प्रॉब्लम कहते हैं, वो देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, हमें सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना आना चाहिए। अगर आपको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना नहीं आता है या उसमें कोई डाउट है, तो हमने वीडियो वॉल्यूम 38 से 41 तक बनाए हैं, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन पर हैं। तो आप प्लीज, नहीं आता है तो आप इन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये निकालना आ जाए। आपको गुडविल का ट्रीटमेंट आना चाहिए, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है एडमिशन के केस में। इसके लिए जो वीडियो वॉल्यूम आप देख सकते हैं वो 42 से 48 है, अगर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं आता है एडमिशन के केस में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स, इसके लिए आप 38 से 41 तक का जो हमारा वीडियो वॉल्यूम है वो इसी चीज पे बनाया हुआ है कि रिकंस्टिट्यूशन में आप जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है या रिजर्व्स होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, इसके लिए वीडियो वॉल्यूम 33 और 34 है, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। और लास्ट में है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी हमने नहीं बनाया वीडियो, ये आपके आगे का पार्ट है। जब आप रिवॉल्यूशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना सीख जाते हैं तो फिर उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करना होता है, वो आगे वाला पार्ट है। तो इसके लिए अभी वीडियो नहीं बनाया, वो आगे बनाएंगे हम। पर इससे ऊपर के जो चार पॉइंट है, जिसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, गुडविल का ट्रीटमेंट करना, आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना, ये सारे आपको आना चाहिए, तभी आप एडमिशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल इक्वेशन है वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसमें आप फिर समझिए किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन को समझना है और किस तरह से फिर हमें उस इंफॉर्मेशन को हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में और न्यू बैलेंस शीट में प्लेस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, काजू एंड बिदाम आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। दे नाउ एडमिट किशमिश ऑन 1 अप्रैल 20 फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। ऑन दिस डे देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। देखिए, दो पार्टनर हैं, काजू एंड बिदाम, रेशियो है 3:2। अब वो किशमिश को एडमिट कर रहे हैं न्यू पार्टनर 1 अप्रैल 2020 को 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। और आपकी जो बैलेंस शीट दे रखी है वो आपकी इस तरह से है। देखिए, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 80,000 है और बिल्स पेएबल 20,000 है, जनरल रिजर्व 40,000 है, कैपिटल काजू और बिदाम की दे रखी है आपके 4 लाख एंड 2,96,000, 6,96,000 टोटल, ये आपकी लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड आपके कैश दिया हुआ है 50,000, डेटर्स 1 लाख है, इसमें प्रोविजन लेस किया हुआ है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 4,000 का, तो 96,000 के डेटर्स दिए हुए हैं आपके। स्टॉक 90,000 है, फर्नीचर 50,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख है, बिल्डिंग 3 लाख है और एग्जिस्टिंग गुडविल। देखिए, ध्यान दीजिएगा, गुडविल के ट्रीटमेंट में यहाँ पे जो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है वो एग्जिस्टिंग गुडविल है आपके, ये 50,000 है और टोटल ऑफ बैलेंस शीट है 8,36,000। ये आपके क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दे रखी है आपके। अब इसमें एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या है। देखिए, किशमिश वाज टू ब्रिंग रुपीज 2,50,000 फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल,
शी ऑल्सो ब्रॉट रुपीज 40,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल ऑन दिस डे फर्म्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर रिवेल्यूड एट अंडर। देखिए यहां तक क्वेश्चन समझ लीजिए आप, जो किशमिश है वो 2.5 लाख रुपए की अपनी कैपिटल लेके आ रही है जो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगी। अब देखिए जब भी नया पार्टनर आता है दो अमाउंट लेके आता है कैपिटल एंड गुडविल, तो वो कैश गुडविल ला रही है 40,000। तो ये 40,000 जो गुडविल होगी वो आपको पता है गुडविल वाले ट्रीटमेंट मैंने बता रखा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको बांटना होता है। अब नीचे वो जो है रिवोल्यूशन के फिगर्स दे रहा है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के, तो वो देख लेते हैं क्या है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाज टू बी क्रिएटेड एट 2% ऑन डेटर्स, स्टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज 86,000, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज टू बी डिक्रीज बाय रुपीज 5,000, चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%, बिल्डिंग वाज टू बी इंक्रीज अप टू रुपीज 3,50,000, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 7,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड इन फ्यूचर, यू आर टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है और इस लेंथ में आपका क्वेश्चन आता है। तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना होता है, आपको ये देख लेना होता है कि कितने पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो कितना है, नया पार्टनर है कितने रेशियो के लिए आ रहा है, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, और इंपॉर्टेंट चीज कि वो गुडविल कैश में ला रहा है या क्रेडिट गुडविल ला रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है शी आल्सो ब्रॉट रुपीज 40,000, तो कैश गुडविल है। अगर यहां पे इस तरह की कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं होती तो वो उधार गुडविल मानी जाती है। और फिर आपको और देखना है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के क्या रिवोल्यूशन है, और इसके अलावा भी और कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है क्या। तो हम इन सारी इंफॉर्मेशन को आप प्लेस करेंगे। सबसे पहले हमें बनाने को बोला गया है रिवोल्यूशन अकाउंट, तो हम सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का मैं पहले यहां पे वर्किंग नोट देख लेता हूं, फिर सीधे हम वैल्यूज को प्लेस कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवोल्यूशन वीडियो वॉल्यूम नंबर 33 और 34। देखिए अगर किसी को रिवोल्यूशन, वो मेरा वीडियो देख रहे हैं ये, उनको अगर रिवोल्यूशन में कहीं दिक्कत है तो आप प्लीज मेरा वीडियो वॉल्यूम 33 और 34 देख लीजिए, आपको रिवोल्यूशन अकाउंट किस तरह से बनाना है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं यहां पे उतनी डिटेल में नहीं ले पाऊंगा, मैं ये मान के बताऊंगा कि आपको रिवोल्यूशन आता है और हमें किस तरह से इस बड़े क्वेश्चन में वैल्यूज को प्लेस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले जो आपको 5% ऑन डेटर्स बनाना है, तो सबसे पहले हम जो ग्रॉस डेटर हैं, जो आपके 1 लाख रुपए का डेटर दिया हुआ है उसका 5% निकाल लेंगे। तो 1 लाख × 5% आपका हुआ ₹5,000। अब देखिए आपके जो प्रोविजन दिया हुआ है ऑलरेडी वो 4,000 का दिया हुआ है, मतलब आप ये मान रहे हैं कि 5,000 का नुकसान होगा, लेकिन 4,000 तो आप ऑलरेडी प्रोविजन बना चुके हैं आप, तो 1,000 रुपए का नुकसान और होगा, तो ये 1,000 का आपके लॉस हो गया है। आपके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकाल लेते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो आपके कहा गया है 2% ऑन डेटर्स। देखिए ध्यान रखिए प्रोविजन फॉर डेटर्स जो बनता है, वो प्रोविजन फॉर जो डिस्काउंट बनता है वो आपका नेट डेटर्स पे बनता है। दोज डेटर्स हु विल पे द अमाउंट्स वी विल गिव द डिस्काउंट टू देम, जो हमें चुकाएगा उसको हम डिस्काउंट देंगे। तो हमें देखिए 5,000 रुपए का भी पहले पॉइंट में हमने मान लिया था कि डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाना है, तो यानी 95,000 के ही हमारे को नेट डेटर्स बचा है। अब इस 95,000 का हमें पैसा मिलेगा, उस पर हमें 2% डिस्काउंट देना होता है, तो इसका 2% हमें निकालिए, तो 1,900 का हमें डिस्काउंट के तौर पर लॉस हो गया। इसके बाद स्टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज 86,000। देखिए स्टॉक आपके क्वेश्चन में 90,000 का दिया हुआ है, अब वो बोल रहा है कि 86,000 की वैल्यू है, तो ये 4,000 का आपके लॉस हो गया है। फर्नीचर की जो वैल्यू है वो आपको डिक्रीज करनी है 5,000 से, तो सीधा नुकसान दिया हुआ है, ये 5,000 का लॉस है। डेप्रिशिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% का, तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 2 लाख है, तो उसका 10% आपका 20,000 हुआ। बिल्डिंग वाज टू बी इंक्रीज अप टू ₹3,50,000, तो देखिए बिल्डिंग की वैल्यू आपके जो पिछली साइड ने बैलेंस शीट 3 लाख रुपए दे रखी है, उसको बोला है अप टू, यानी 3,50,000 रुपए तक बढ़ानी है, तो यहां पे आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। एंड क्रेडिटर ऑफ ₹7,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड इन फ्यूचर, यानी क्रेडिटर्स को 7,000 रुपए आपको पे नहीं करना है, तो ये 7,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया आपके। इस तरह से पहले आपको निकाल लेना होता है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवोल्यूशन है, कौन कौन से प्रॉफिट वाले आइटम्स है और कौन कौन से लॉस वाले आइटम है। इन सबको निकालने के बाद में फिर आपको क्या करना होता है रिवोल्यूशन में, जैसा मैंने आपको बताया था, आपको जो भी लॉस वाले आइटम है वो आपको डेबिट की तरफ लिख देना होता है रिवोल्यूशन में, और जो प्रॉफिट वाले आइटम है वो आपको क्रेडिट की तरफ लिख देना होता है। तो हमने निकाल लिया कौन कौन सा लॉस है कौन सा प्रॉफिट है, अब उन्हें प्लेस कर दीजिए। देखिए जो आपका
लॉस है वो मैंने सारा डेबिट की तरह लिख दिया है, और जिनसे भी मैं प्रॉफिट हुआ था वो क्रेडिट की तरह लिख दिया। लेकिन लॉस हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से हुआ था 1000 रुपए का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट से हुआ था 1900 का, स्टॉक से लॉस हुआ था 4000 का, फर्नीचर से लॉस हुआ था 5000 रुपए का, और प्लांट एंड मशीनरी से लॉस हुआ था 20000 का। प्रॉफिट हमें सिर्फ दो चीजों से हुआ था, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी 50000 रुपए, क्रेडिटर को पे नहीं करना है 7000। इस तरह से हमें रिवोल्यूशन में प्लेस कर देना है आपको। अब इसके बाद हम रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो देखिए रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट या लॉस है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो देखिए रिवोल्यूशन की जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल जो हुआ 57000 हुआ, उसमें से आप जो डेबिट का टोटल लेस करेंगे आप, तो ये आपका जो प्रॉफिट बचेगा ये आपके 25100 बचेगा आपके प्रॉफिट। 57000 जो क्रेडिट साइड है उसमें से आप ये 1000, 1900, 4000, 5000, 20000 इनको आप जब प्लस करेंगे और इनको फिर आप लेस कर देंगे 57 में से, तो ये आपका 25100 बचेगा। इस 25100 को आप काजू और बादाम को 3:2 जो उनका ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये 25100 × 3/5 ये आपका 15,060 रुपीज हुआ, और इसी तरह से बादाम का शेयर हुआ 25100 × 2/5 ये आपका 2/5 है, ये आपका 10,040 रुपीज हुआ। ये आपको 3:2 के अंदर बाहर देना है, देखिए जो भी 25,100 का हुआ। तो इस तरह से ये आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं डाउट है तो जो पिछला वॉल्यूम मैंने बताया है रिवोल्यूशन का उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है आपको। अब ये जो प्रॉफिट या लॉस आया रिवोल्यूशन का, ये आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है। अब इसके बाद में हम जो सेकंड बनाना है हमें रिवोल्यूशन के बाद में, वो हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे पास में काजू और बादाम तो है, हमें एक कॉलम और बनाना होगा जो किशमिश नया पार्टनर है उसका भी। तो आइए एक बार पहले मैं रिवोल्यूशन का एक जनरल रूल आपको बता दूं, ताकि आपको रिवोल्यूशन कैपिटल अकाउंट का एक जनरल रूल मैं आपको बता दूं, ताकि आप जब कैपिटल अकाउंट बनाए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। कैपिटल अकाउंट देखिए, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो मैंने एक नाम दिया है BRGR ट्रीटमेंट। इसको अगर आप वैसे इजी वे में याद करना चाहे तो इसको आप बर्गर ट्रीटमेंट के याद कर सकते हैं। बर्गर जो खाने वाला बर्गर होता है उसी के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। देखिए हमें यहां पे जब भी आप रिकंस्टिट्यूशन में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, चाहे वो एडमिशन का केस हो, रिटायरमेंट डेथ का केस हो, ठीक है, चेंजेस इन PSR का केस हो, आपको इस बर्गर ट्रीटमेंट से ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब ये क्या है बर्गर ट्रीटमेंट, जब भी आपके बड़ा क्वेश्चन आता है एडमिशन का, तो आपको जब कैपिटल अकाउंट बनाया तो आपको ये चार करेक्टर याद होने चाहिए BRGR। क्या है इस BRGR का मतलब, देखिए बीफ का मतलब है बी फॉर बैलेंस BD, आर का मतलब है आर फॉर रिवोल्यूशन अकाउंट, जी का मतलब है जी फॉर गुडविल ट्रीटमेंट, और लास्ट में जो आर का मतलब है दैट इज रिजर्व, आर फॉर रिजर्व लॉसेज ट्रीटमेंट। ये आपको चार करेक्टर याद करने, जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बी फॉर बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले, जो पुराने पार्टनर का बैलेंस है और नए पार्टनर की कैपिटल है। फिर आर फॉर रिवोल्यूशन अकाउंट आपने बना लिया है, उसका प्रॉफिट या लॉस लिखना होता है, मैंने आगे लिखा हुआ है। अगर आपको दिक्कत है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने में आप वीडियो वॉल्यूम 33 और 34 देख सकते हैं। उसके बाद में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, अगर आपको गुडविल के ट्रीटमेंट में दिक्कत है तो वीडियो वॉल्यूम 42 से 48 आप देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और वीडियो गुडविल निकालने के लिए आपको देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना आना चाहिए, तो उसके लिए आप वीडियो वॉल्यूम 38 से 41 देख लीजिए, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में रिजर्व्स और लॉसेज का ट्रीटमेंट करना होता है, उसमें अगर आपको दिक्कत है तो 35 से 37 आप वीडियो वॉल्यूम देख लीजिए, आपकी दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए आपको BRGR, जैसे ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ये चार करेक्टर आपको लिखने हैं, इन चार करेक्टर से आपका कैपिटल अकाउंट बनाना आसान हो जाएगा, आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस BRGR को आइए हम अप्लाई करते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में। देखिए अब आपके जो कैपिटल अकाउंट है काजू बादाम एंड किशमिश, देखिए सबसे पहले मैं बी फॉर बैलेंस मैंने बोला है, तो देखिए बाय बैलेंस BD, देखिए बैलेंस अभी पुराने पार्टनर का दिया हुआ है हमें, तो वो 4 लाख का तो काजू का बैलेंस है और बादाम का बैलेंस 2,96,000 है, तो ये हमने लिख दिया है बाय बैलेंस। देखिए बी आ गया है, मैंने बी को बोल्ड भी करा हुआ है थोड़ा सा, तो बाय बैलेंस BD हो गया बी फॉर। उसके बाद में आप क्या देखिए, अब मैंने बैलेंस के साथ में देखिए जो नया पार्टनर है उसका भी जो कैश लेके आ रहा है बाय कैश अकाउंट, मैं पहले क्रेडिट साइड को ले रहा हूं तो आप ध्यान दे लेना, बाय कैश अकाउंट 2,50,000। देखिए किशमिश नया कैपिटल लेके आ रहा है, उसका पुराना बैलेंस तो है नहीं लेकिन वो पैसा तो लेके आ रहा है। अब देखिए मैंने यहां पे कैश लिखा है, मैंने कैश इसलिए लिखा है, मैंने बैंक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप जब बैलेंस शीट में जाते हैं तो बैलेंस शीट में सिर्फ कैश अकाउंट है, बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है, अगर बैलेंस शीट में कैश अकाउंट है तो आप कैश ही लिखेंगे फिर बैंक नहीं लिखेंगे, अगर वहां बैंक अकाउंट होता तो मैं यहां भी बैंक लिख देता आपकी। तो ये बी फॉर बैलेंस वाली लाइन पूरी हो गई है। अब बी के बाद में आर फॉर रिवोल्यूशन था, तो देखिए रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था, तो ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट मैंने लिख दिया है बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, काजू को प्रॉफिट मिला था 15,060 का और बादाम को प्रॉफिट मिला था 10,040 का, अगर लॉस होता तो मैं इसको डेबिट के तरफ लिख देता। बी आर हो गया,
इसके बाद में गुडविल का ट्रीटमेंट देखिए, गुडविल एडमिशन के अंदर मैंने आपको गुडविल ट्रीटमेंट में जाएंगे तो कैश गुडविल होती है, पार्टली कैश होती है और क्रेडिट गुडविल होती है। तो यहाँ पे कैश गुडविल है, कैश गुडविल के लिए हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खोलते हैं। तो यहाँ पे ये 24,000 और 16,000 आपके आ गया है, जो कि हमने किस रेशियो में बांटा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3:2 है। कैसे आया ये, इसके लिए आप वीडियो वॉल्यूम 38 एंड 43 देख सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको सिर्फ देखना है कि हाँ इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कैसे निकला है, तो आप ये वीडियो वॉल्यूम 38 एंड 43 आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें ओल्ड रेशियो रहेगा क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। तो जो 40,000 गुडविल थी उसको 3:2 में बांट दिया है हमने। अब देखिए यहां पे गुडविल के साथ में हमें ध्यान देना है, डेबिट की तरफ आप देखिए, टू गुडविल अकाउंट 30,000 एंड 20,000 मैंने लिखा है। ध्यान देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल भी दे रखी है आपके क्वेश्चन में 50,000। तो एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा ओल्ड रेशियो में बंद होती है, तो काजू और बादाम के 3:2 ओल्ड रेशियो के अंदर हमने उस गुडविल को बंद कर दिया है। तो ये डेबिट कर दिया है हमने टू गुडविल अकाउंट 30,000 एंड 20,000। ये पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया आपके। इसके बाद में है आपके रिजर्व। रिजर्व देखिए आपके क्वेश्चन में 40,000 का था, रिजर्व भी आपको ओल्ड रेशियो के अंदर ही बांटना है। अगर आपकी कोई दिक्कत है रिजर्व में तो आप वीडियो वॉल्यूम नंबर 36 आप देख सकते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल रिजर्व किस तरह से बांटा गया है। ये भी क्रेडिट ही होगा क्योंकि पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये 24,000 एंड 60,000 3:2 के अंदर आपने बांट दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपके क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमें BRGR का हो गया, देखिए B फॉर बैलेंस लिख दिया है, R फॉर रेवोल्यूशन हो गया है, G फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया और लास्ट में R फॉर रिजर्व्स का आपने कर दिया है। तो इस तरह से फिर आपको क्या करना होता है, गुड कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको प्लेसेज करने हैं सारी वैल्यूज को। फिर आप बैलेंस शीट निकाल लीजिए। देखिए बैलेंस शीट निकालने के लिए आप क्रेडिट का टोटल करेंगे, तो आपका काजू बादाम और किशमिश का जब आप टोटल करते हैं तो आपका क्रेडिट का टोटल जो आ रहा है, देखिए ए का जो क्रेडिट का टोटल आ रहा है वो आपके 4,63,060 रुपीज आ रहा है। उस तरह से आप इसका डेबिट का टोटल करेंगे तो काजू का डेबिट का टोटल 30,000 ही है। अब इसमें से आप क्रेडिट में से डेबिट का टोटल लेस करेंगे तो 4,33,060 रुपीज का आपके क्या हुआ, काजू का बैलेंस शीट आया। ये आपके अब नई बैलेंस शीट में जाएगा बैलेंस आपके। इसी तरह से आप बादाम की बैलेंसिंग कर लेंगे। देखिए ये वर्किंग नोट में ABC लिख दिया है, वो कंफ्यूज मत नहीं होना आपको। ए का मतलब ये काजू ही है और बी का मतलब यहाँ बादाम से। तो बादाम की जो बैलेंस है देखिए वो आपके 3,38,040 रुपीज है क्रेडिट का बैलेंस और डेबिट का 20,000 है। तो इसका नेट बैलेंस CD बचा वो आपकी 3,18,040 है जो बैलेंस CD करके दिखाया हुआ है। और किशमिश का तो 2,50,000 का 2,50,000 ही है। तो ये तीनों जो नए बैलेंस है ये नई बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे। तो आई होप आपको किस तरह से वैल्यू प्लेस करनी है कैपिटल अकाउंट में आपको समझ में आ गया होगा। बस कंडीशन एक है कि आपको रिवोल्यूशन अकाउंट निकालना आना चाहिए अमाउंट, आपको गुडविल का ट्रीटमेंट आना चाहिए, रिजर्व का ट्रीटमेंट आना चाहिए, फिर आपको बस इनको चीजों को प्लेस करना होता है। तो आगे हम देखते हैं अब बैलेंस शीट हम किस तरह से बनाएंगे। आइए बैलेंस शीट देख लेते हैं हम। देखिए बैलेंस शीट बनाना आसान है, आपकी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसी को आपको लिखना होता है, उसी को रिवैल्यूट करना होता है। क्योंकि आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रिवैल्यूट फिगर दिए हुए थे, तो हमें अब वो नए रिवैल्यूशन वाले फिगर ही लिखने होते हैं। अब कैसे करना ट्रीटमेंट आप वन बाय वन समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्रेडिटर का आप आ जाइए। देखिए क्रेडिटर लिखा हुआ था, जैसे बैलेंस शीट थी मैंने वैसे वैसे उतार रहा हूं मैं उसको। देखिए क्रेडिटर दिया हुआ था आपके पहले 80 का था, अब 80 के बाद में रिवॉल्यूशन में बोला गया कि 7,000 क्रेडिटर को पे करने की जरूरत नहीं है। तो अब नेट क्रेडिटर कितने के हुए, 73 के हो गए, तो मैंने नेट 73 लिख दिया। देखिए इसी तरह से कैश में आइए, कैश में ध्यान दे लीजिए आप। देखिए कैश का पुराना बैलेंस 50,000 दिया हुआ था आपके। अब 50,000 के बाद देखो नया पार्टनर भी तो 2,50,000 रुपए कैपिटल के लेके आया, तो 2,50,000 रुपए मैंने प्लस कर दिए। प्लस देखिए वो 40,000 गुडविल के भी लेके आया था, तो टोटल कैश बिजनेस में कितना हो गया, 3,40,000 रुपया। आई होप क्लियर हो गया होगा। कैश के अंदर पुराना बैलेंस 50,000 था, लेकिन देखिए नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर दो अमाउंट लेके आता है, कैपिटल और गुडविल दोनों। कैपिटल तो कैश में होती होती है, यहां गुडविल भी कैश में थी, हमने दोनों अमाउंट जोड़ दिए तो 3,40,000 हो गया। उसके बाद में देखिए बिल्स पेएबल आपके 20,000, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ था तो बिल्स पेएबल 20 का 20,000 लिख दिया। अब डेटर्स हैं, देखिए डेटर्स जो हैं वो आपके 1,00,000 के दिए हुए थे, और उसमें देखिए आपके जो प्रोविजन फॉर, अब देखिए पहले 4,000 का प्रोविजन था आपके बैलेंस शीट में, अब 5,000 का हो गया, तो हमने 5,000 का नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चे यहाँ पे कई बार अमाउंट लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। देखिए टोटल प्रोविजन 5,000 का था, हमने रिवॉल्यूशन में 1,000 ही लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि 4,000 का ऑलरेडी बना हुआ था और 5,000 का बना तो रिवॉल्यूशन में तो नेट डिफरेंस आता है, लेकिन टोटल प्रोविजन कितना हो गया, 5,000 का हो गया। तो हमारे अब नेट डेटर कितने के बचे, 95,000 के डेटर बचे हैं। अब इसके अंदर फिर हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी तो लेस करना है 1,900 रुपए का, तो हमारा जो नेट डेटर आ गया बैलेंस शीट में वो 93,100 का आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से दिखाना है।
हमने डेटर में से पूरा जो प्रोविजन बनता है 5,000 का वो लेस किया, फिर जो पूरा डिस्काउंट बना था वो पूरा का पूरा लेस कर दिया, तो 93,100 का हमारे डेटर्स आ गया है। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे अब प्रोविजन टोटल कितना हमने बनाया है वो लिखना होता है आपको। तो ये इस तरह से 93,100 हुआ आपके। उसके बाद में देखिए, स्टॉक आपके 90,000 का था, अब उसकी वैल्यू 86,000 हो गई थी, तो वो आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ था 86,000 की वैल्यू होगी, तो 86 लिख दिया, या भाई 4,000 की वैल्यू कम हो गई, तो इसको इस तरह से भी कर लो कि 90,000 में से 4,000 लेस किया तो 86,000 बचा। देखिए, फर्नीचर की वैल्यू जो थी वो आपके 5,000 रुपए से कम कर दी गई थी, तो फर्नीचर की वैल्यू 45,000 की हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी में देखिए लिखा था कि 10% का आपके डेप्रिसिएशन लगाना है, तो देखिए 2 लाख की वैल्यू थी, 2 लाख में से 10% 20,000 लेस किया, तो 1,80,000 की वैल्यू रह गई है उसकी। और बिल्डिंग की वैल्यू थी कि 3,50,000 तक आपको इंक्रीज करनी, तो टोटल वैल्यू आपको 3,50,000 हो गई। तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में ये लिखना है कि आज की डेट में एसेट्स और लायबिलिटीज की नेट वैल्यू कितनी दे रखी है, नई वैल्यू कितनी आ गई है हमारे, हमने वो उतार दी है। और इधर कैपिटल अकाउंट के अंदर देखिए, काजू बादाम और किशमिश, हमने अभी कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो वहां पे जो 2 बैलेंस CD लिखा था लास्ट मैंने निकाल के बताया था, वो अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जो काजू का 4,33,060 रुपीज है, बादाम का 3,18,040 रुपीज है, और किशमिश का 2,50,000 है। टोटल कैपिटल हुई 10,01,100, और आपके बैलेंस शीट का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 10,94,100 आपके। तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। मैं फिर कह रहा हूं, बैलेंस शीट बनाना आसान है, क्योंकि जो बैलेंस शीट दे रखी होती है वो की वही आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन करना है, वैसे के वैसे उतारना है। इसके अंदर बैलेंस शीट में मैंने 2 चीजें हटा दी है, एक तो मैंने गुडविल हटा दिया क्योंकि गुडविल आपने क्लोज कर दी है कैपिटल अकाउंट में, एक जनरल रिजर्व हटा दिया मैंने क्योंकि जनरल रिजर्व भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आपने ट्रांसफर कर दिया। तो ये ध्यान देना है आपको, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दिखानी होती है नई बैलेंस शीट में, और आपको जो रिजर्व्स या लॉसेज हैं वो भी आपको नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाने होते हैं, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आपने ट्रांसफर कर दिए हैं। बाकी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूड फिगर थे वो हमने यहां पे प्लेस कर दिए। जनरल एंट्री में देखिए, सबसे पहली एंट्री हम किशमिश के कैपिटल और गुडविल लाने की करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा एडमिशन का है, तो नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है और जो गुडविल का अमाउंट ला रहा है, सबसे पहली एंट्री वही करते हैं हम। तो कैश अकाउंट दिया 2,90,000, टू किशमिश कैपिटल 2,50,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, 2.5 लाख की वो कैपिटल लेके आई है, और कैश गुडविल थी, क्वेश्चन में साफ कैश गुडविल लिखा हुआ है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 हो गया, 2,90,000 से हमने एंट्री कर दी। सेकेंड एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांटेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में 3:2 है, ओल्ड रेशियो के अंदर ही बांटा है, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग है क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर 40,000, टू काजूज कैपिटल 24,000, टू बादाम्स कैपिटल 16,000। उसके बाद में एग्जिस्टिंग गुडविल भी आपके क्वेश्चन में दे रखी है 50,000 की। एग्जिस्टिंग गुडविल एसेट साइड थी, बैलेंस डेबिट था, उसको बंद करना होता हमें तो क्रेडिट कर देंगे। तो काजूज कैपिटल अकाउंट दिया 30,000, बिदाम्स कैपिटल अकाउंट दिया 20,000, टू गुडविल अकाउंट 50,000। ये ओल्ड रेशियो के अंदर ही आपको बंद करना है, और पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, जो कि उनका रेशियो 3:2 है। आपके क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है 40,000 का, जनरल रिजर्व अकाउंट दिया 40,000, टू काजूज कैपिटल 24,000, टू बिदाम्स कैपिटल अकाउंट 16,000। देखिए, ये सब ओल्ड रेशियो में होगा आपके, चाहे आप एग्जिस्टिंग गुडविल बंद करें, चाहे आप प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व को बांटें, ओल्ड रेशियो में ही बांटना होता है। प्रॉफिट लॉसेज से पार्टनर जो होता है आपका डेबिट या क्रेडिट करना होता है, तो यहां रिजर्व प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दिया है आपने। तो ये आपको एंट्री समझ लीजिए, पार्टनर के जनरल एंट्री जब आप करते हैं तो पैसा लाने की एंट्री हुई, गुडविल को बांटने की एंट्री हुई, एग्जिस्टिंग गुडविल को बंद करने की एंट्री हुई, और जो रिजर्व या लॉसेज है उसको बांटने की एंट्री हुई। अब हमारा जो पोर्शन बचा है इस क्वेश्चन में वो रिवोल्यूशन का बचा है। तो देखिए, फिर आपको रिवोल्यूशन के जब भी आप क्वेश्चन करें, रिवोल्यूशन की जब भी एंट्री करें, आपको ध्यान देना है रिवोल्यूशन की आपको 3 एंट्री होती है, एक उसकी डेबिट साइड वाली एंट्री, एक उसकी क्रेडिट साइड वाली एंट्री, और एक उसके प्रॉफिट या लॉस की एंट्री। तो हम पहले डेबिट साइड वाली कर लेते हैं, जहां पे लॉस होने पर रिवोल्यूशन डेबिट होता है। रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर 31,900, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1,900, टू स्टॉक 4,000, टू फर्नीचर 5,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000। ये सारा जो डेबिट साइड हमने जिन भी आइटम से लॉस था वो एंट्री कर दिए हमने, और फिर 2 एंट्रियों से हमें प्रॉफिट भी हो रहा था तो हमने क्रेडिट की तरफ लिखा था। तो बिल्डिंग अकाउंट डीआर 50,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर 7,000, टू रिवोल्यूशन अकाउंट 57,000। ये उसके दोनों साइड वाली एंट्री हो गई है, यहां पे डेबिट कर दिया हमने लॉस को, क्रेडिट कर दिया है हमने जो भी प्रॉफिट हुआ था आइटम्स पे, एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवोल्यूशन पे। अब जो थर्ड एंट्री होती है, या तो रिवोल्यूशन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट होने पे पार्टनर क्रेडिट हो जाते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट दिया 25,100, टू काजूज कैपिटल अकाउंट 15,060, एंड टू बादाम्स कैपिटल अकाउंट 10,040। देखिए, जब भी किसी भी चीज का प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर को क्रेडिट करना होता है, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया है। किस चीज का प्रॉफिट है, ये रिवोल्यूशन का है, तो रिवोल्यूशन डेबिट हो गया। इस तरह से आपको जनरल एंट्रीज भी करनी होती है।
तो आपको ये सब चीजें तब कर पाएंगे, देखिए जब आपको रिवॉल्यूशन अच्छे से आता हो, आपको रिजर्व्स का ट्रीटमेंट अच्छे से आता हो, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना अच्छे से आता हो, आपको गुडविल का ट्रीटमेंट अच्छे से आता हो। ये सब चीजें अगर आपको अच्छे से आती है तो फिर आपको ये सारी चीजें एक साथ करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके कहीं भी दिक्कत है इनमें से किसी भी एक टॉपिक में, तो आप प्लीज उनसे रिलेटेड वीडियोज को देखिए, उन डाउट्स को क्लियर करिए और फिर आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी कहीं दिक्कत नहीं होगी। आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।